नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण सुरेन सिंह के खिलाफ पहलवान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम बवाल और शिकायतों के बावजूद अब तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने दिल्ली पुलिस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को न्याय नहीं मिल पाना उनके साथ फिर से प्रताड़ना जैसा है। पूर्व जस्टिस ने कहा कि पहलवानों की शिकायतों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि भाजपा और कांग्रेस में लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी और हिंदू भक्त है, पूजा पाठ करने में माहिर है। इससे ये स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की उपेक्षा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों का तांडव चल रहा है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में टैक्सियों और बसों में पैनिक बटन लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूरी ने आरोप लगाया कि पैनिक बटन के नाम पर टैक्सी और बस मालिकों से हजारों रुपए वसूले गए। वहीं ऐसे पैनिक बटन लगाए गए जिनकी कीमत मुश्किल से 5 रुपए होगी, जो काम नहीं कर रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेसिटी यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फैन हो गए हैं। ग्रेसिटी ने डोभाल के बारे में कहा कि उत्तराखंड के एक गांव का लड़का अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की संपदा बन गया है। ग्रेसिटी ने डोभाल की तारीफ में ये बातें महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिका की पहल की मीटिंग को संबोधित करते हुए कही। पिछले 20 वर्षों से चीन सीमा के पास भारत द्वारा बनाई जा रही सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का काम पूरा हो गया है। ऊर्जा परिवर्तन में भारत का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जुलाई से इसकी पहली यूनिट का परीक्षण शुरू करेगी और इस वर्ष दिसंबर से इसे ग्रिड से जोड़ना शुरू किया जाएगा। RBI गवर्नर ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आयोजित समर मीटिंग्स में शुरुआती भाषण देते हुए कहा कि हम 2023-24 के दौरान वास्तविक GDP में 6.5% की वृद्धि की उम्मीद करते हैं। पूरी संभावना है कि भारत 2023 में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने PM मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल एजुकेशन के लिए नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट परीक्षा से बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि NEXT की शुरुआत ना तो छात्रों के हित में है और ना ही राज्य सरकारों के हित में है, जो अधिकांश मेडिकल संस्थान को फंड करती है। पिछले दिनों भारत के दौरे पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि उनका देश शुरू से ही बांग्लादेश तक जाने का सीधा रास्ता चाहता रहा है। नेपाल लौट कर आने के बाद प्रचंड ने कहा कि उन्होंने नेपाली सीमा के विशेषज्ञों से कई विकल्पों पर चर्चा की है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील को पूर्व में दी गई वन भूमि के उपयोग का आदेश रद्द कर दिया है। केंद्र ने झारखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी थी। वन विभाग की बिना अंतिम सहमति के इलेक्ट्रो स्टील इस वन भूमि का उपयोग कर रहा है। कंपनी को जिन शर्तों पर स्टेज वन मिला था उसे 3 साल में राज्य सरकार या कंपनी पूरा नहीं कर पाई। भारत सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार को उचित एक्शन लेने का आग्रह किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को पूर्व ट्विटर CEO और संस्थापक जैक डोर्सी के दावों को खारिज कर दिया है कि भारत सरकार ने किसानों के विरोध को कवर करने वाले खातों को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर दबाव डाला था। ठाकुर ने इसे सरासर झूठ करार दिया है। ठाकुर ने डोर्सी के दावे की निंदा करते हुए कहा कि जब भारत में चुनाव आते हैं तो कई विदेशी ताकतें जग जाती हैं। भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के 8 जहाजों में से 3रे जहाज अंशदीप को लॉन्च कर दिया गया है। इसका निर्माण कोलकाता की कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। वहीं अंशदीप की लॉन्चिंग तमिलनाडु के कटुपल्ली बंदरगाह के लार्सेन एंड टुब्रो में शिप यार्ड में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की जोरदार पैरवी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के निकायों को और अधिक लोकतांत्रिक एवं हमारे समय की हकीकतों का द्योतक बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के 75वें साल के अवसर पर यहाँ आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो यह इस वैश्विक संगठन की नैतिक वैधता को कमजोर करेगा।
मोदी सरकार की तरफ से पिछले दिनों कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी में से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। सरकार ने मार्च 2023 में डीए का ऐलान किया था। इसका एरियर कर्मचारियों को 1 जनवरी से दिया गया था। अब सरकार की तरफ से सितंबर या अक्टूबर में डीए हाइक कर फिर से ऐलान किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। कर्मचारियों के इसे अनदेखा करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी से वंचित रहना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अलग ही नजारा देखने को मिला, जब वेकेशन बेंच ने अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लुथरा जैसे बड़े वकीलों की दलीलें सुनने से ही इनकार कर दिया। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प रही। शीर्ष न्यायालय का मानना था कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान युवा वकीलों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। खास बात है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी वरिष्ठ वकीलों की तरफ से मामले पेश किए जाने के खिलाफ थे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नेंस को लेकर कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल इकोनॉमी एक शक्तिशाली अवसर बनकर उभरी है। भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि डीपीआई उस आबादी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो प्रगति करना चाहती है। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2 लाख पॉलिसी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को हस्तांतरित करने के बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी है। सेट का यह आदेश सहारा इंडिया लाइफ की उस अपील पर आया है जिसमें भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर पूरी दिल्ली में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाकर सभी डार्क स्पॉट को खत्म करेगी। इन लाइटों को केंद्रीकृत नियंत्रित किया जाएगा। अब अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब हुई तो उसकी केंद्रीकृत निगरानी की जाएगी, इससे बिजली की खपत भी कम होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य पात्रता के बावजूद महासंघ के आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। WFI के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव और 5 कार्यकारी सदस्यों के लिए 6 जुलाई को चुनाव होंगे। इसी साल मई महीने में मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद सुब्रमण्यम जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इस्तीफे के 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि भारत अपनी GDP वृद्धि दर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2011-12 से 2016-17 के बीच भारत की GDP की वास्तविक वृद्धि दर 4.5% थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 7% बताया गया। अरविंद सुब्रमण्यम के इस बयान को अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खूब तवज्जो मिली है और कहा गया कि सरकार आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवात के कारण किसी भी स्थिति या आकस्मिकता से निपटने के लिए सशस्त्र बल नागरिक अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयारी करने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI और ED को निशाना पर लेते हुए BJP की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि CBI ED का नाम बदलकर BJP सेना कर देना चाहिए। CM केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि एक जमाने में एजेंसियों की इज्जत थी, आज ये एजेंसियां BJP का हथियार बन गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दाल के जमाखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली और तमिलनाडु में दाल की जमाखोरी हो रही है। दिल्ली में व्यापारियों ने दाल पर कार्टेल बनाया। दिल्ली के आसपास के राज्य हरियाणा, राजस्थान में तूर की कीमतें 111 रुपये प्रति किलो है, जबकि दिल्ली में तूर की कीमतें 149 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में अब अमर्यादित कपड़े पहनने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर के महंत ने इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब फटी जीन्स, स्कर्ट, हाफ पैंट और भद्दे कपड़े पहनकर श्री मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने पर रोक होगी। बता दें कि इससे पहले हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर, देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर में कम या भद्दे कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लग चुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने एक बयान के चलते पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस का एक विज्ञापन फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कर्नाटक के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल गांधी के अलावा अदालत ने CM सिद्धरमैया, डिप्टी CM DK शिव कुमार को नोटिस भेजा है।
उत्तरकाशी में होने वाली महापंचायत पर जारी खींचतान का दौर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में सांप्रदायिक तनाव के बीच महापंचायत रोकने की याचिका पर विचार करने में सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में महापंचायत पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में खामेन लोक इलाके के एक गांव में संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में एक कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रात करीब 1 बजे इम्फाल पूर्वी जिले और कांगपोखी जिले की सीमा से लगे खामेन लोक इलाके में ग्रामीणों को घेर लिया और हमला कर दिया। घायलों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह क्षेत्र मेईती बहुल इम्फाल ईस्ट जिले और आदिवासी बहुल कांगपोखी जिले की सीमाओं से लगा है। कोरोना वायरस ने दुनिया में काफी तबाही मचाई थी। 3 साल बाद अब ये वायरस बहुत हद तक काबू में आ गया है, लेकिन इससे संक्रमित हो चुके लोगों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अभी तक खत्म नहीं हो रही है। कोविड ने लंग्स हार्ट समेत शरीर के कई ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया है। अब एक रिसर्च में पता चला है कि इस वायरस ने ब्रेन पर भी असर किया है। ब्रेन का सेरिबेलम कोविड वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। एक नई MRI तकनीक का उपयोग करने वाले एक नए अध्ययन में इस बात की जानकारी दी गई है। झारखंड में चतरा के मयूरहंड के कर्मा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड की जनता को अब राजभवन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता की समस्याओं से अवगत होने के लिए राजभवन अब खुद गांव की ओर चल पड़ा है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता से सीधी वार्ता की जा रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और PM मोदी के विज्ञापन पर अब उद्धव गुट ने अपने मुख पत्र सामना में इस पर कटाक्ष किया है। सामना में लिखा गया है, महाराष्ट्र की फडणवीस शिंदे सरकार गजब की विज्ञापनबाज सरकार है। इस विज्ञापन में फडणवीस गायब हैं। यह विज्ञापन सरकारी नहीं, चुराई गई नकली शिवसेना का है। हम ही असली शिवसेना और हम ही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों के उत्तराधिकारी हैं, कहकर ढोल पीटने वालों के इस विज्ञापन में मोदी हैं, जबकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे भी पूरी तरह नदारद हैं। पंजाब पुलिस ने 13 जून प्रदर्शनकारी किसानों को पटियाला जिले में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय के बाहर से हटा दिया, जहां वे अपनी मांगों के समर्थन में पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे थे। पुलिस ने कुछ किसानों को एहतियातन हिरासत में भी ले लिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय रॉय, जितेंद्र ठाकुर, नुनू कुमार गोलू, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या आपने अपने स्तर से कोई प्रयास किया है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।